आज हम कक्षा 12वीं में इतिहास के अंतर्गत अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात तथा उसके सरकारी अभिलेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल और वहाँ के जमींदार। तो बंगाल में जो वहाँ के और जमींदार थे उनकी कैसी स्थिति थी और वह कैसा व्यवहार करते थे। तो सबसे पहले औपनिवेशिक शासन में सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था, वहाँ वह प्रांत था और सबसे पहले जो है पुनर् व्यवस्थित करने में भी भूमि अधिकारों की नई व्यवस्था, एक नई राजस्व प्रणाली जो है उस समय स्थापित की गई थी। फिर वर्धमान की गई नीलामी की एक घटना, जो घटना थी वह एक महत्वपूर्ण थी क्योंकि 1997 में आधुनिक वर्धमान में नीलामी जो हुई थी उसके अंतर्गत जो राजा थे उन्होंने अनेक महल बेच रहे थे और 1973 में जो थी इस्तम्बारी व्यवस्था को लागू किया गया था। फिर राजस्व की राशि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही निश्चित की जाती थी। फिर अदा ना किए गए राजस्व की समस्या, कई लोग जो हैं राजस्व अदा नहीं करते थे, उसकी समस्या उत्पन्न होती थी, तो उसके लिए क्या था। फिर 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जो बेची गई जमीनों में सिर्फ वर्तमान के राजा की जो संप्रदाय ही नहीं थी बल्कि इस्तम्बारी बंदोबस्त व्यवस्था के लिए जो लागू किए जाने के पश्चात जो है 75% से अधिक जमींदारियां जो है हस्तांतरित कर दी गई थी। तो इसमें सबसे पहले है राजस्व का उदय। राजस्व का उदय कैसे हुआ? बंगाल की विजय के समय जो है ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष जो है कई उत्पन्न समस्याएं जो है उत्पन्न हुई, जिसका हल करने के लिए इस्तम्बारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें कि 1770 के दशक तक बंगाल की जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उस समय संकट के दौर से गुजर रही थी। फिर उसके बाद है राजस्व अदा करने वाले व्यक्ति। जो राजस्व अदा करने वाले व्यक्ति वो कौन थे? कृषि सुधार के साथ साथ जिसे राजस्व निर्धारित किया गया था उसे अदा करना था, वह जो एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था जिससे कि कंपनी के अधिकारी जो है लंबे समय तक उनके साथ वाद विवाद भी होता रहता था। फिर है जमींदार के अधिकार। जमींदारों के लिए कौन सा अधिकार था? वे जो है राजस्व वसूल कर सकते थे, साथ ही साथ उनको महत्वपूर्ण व्यक्ति भी माना जाता था और उनके अधीन जो है कम से कम 400 गाँव होते थे जो जिसके अंतर्गत के जमींदार अपने आने वाले गाँव के राजस्व संपदा का निर्माण करता था या फिर उसको राजस्व जो है प्राप्त करता था। फिर राजस्व राशि के भुगतान और जमींदार क्यों चूक करते थे? वह इसलिए क्योंकि कंपनी के जो अधिकारी होते थे राजस्व जो निर्धारित कर जमींदारों से जो लेते थे उसमें भी कई बार चूक होती थी, जिसका प्रतिफल की आशा करके उन्हें संपत्ति में सुधार और प्रोत्साहित करने के लिए भी इस्तेमारी जो बंदोबस्त की व्यवस्था की गई थी उसके पश्चात जमींदारी अपने राजस्व मांग अदा करने में आनाकानी करते थे। फिर है जमीन जोतदारों का उदय। जोतदारों का उदय कैसे हुआ? 18वीं शताब्दी के अंत में जमींदार जहां संकट में से जूझ रहे थे वहीं पर समूह जो गांव जो था उसमें कई किसान धनी किसान जो थे समूह में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे। इन्हीं धनी किसानों को ही हम जोतदार कहा गया था, जिसे कि जोतदार कहा गया, ये धनी किसान का वर्ग होता था। फिर है जमींदारों के की ओर से प्रतिरोध। जो जमींदार थे वे भी प्रतिरोध करना चालू कर दिए थे, मतलब जो अंग्रेज थे उनका प्रतिरोध करना चालू कर दिए थे कि जमींदारों ने जो राजस्व की मांग भू संपदा और नीलामी के समस्या से निकलने हेतु उन्होंने प्रतिरोध करना चालू कर दिया था। फिर उन्होंने फर्जी बिक्री राजस्व से बचने के लिए या फिर उन्हें देने से बचने के लिए उन्होंने फर्जी बिक्री के कई तरीके अपनाए, जिसमें वर्धमान राजा ने अपनी जमींदारी का कुछ भाग जो है माता को दे दिया और कंपनी का यह निर्णय जो स्त्रियों की संपत्ति को छीना नहीं जा सकेगा। फिर नीलामी प्रक्रिया की जोड़ तोड़। जो नीलामी की जो प्रक्रिया थी वह थी उसमें भी जोड़ तोड़ किया गया था, जिसमें राजस्व संबंधी मांग को जानकर रोक दिया गया, भुगतान की बढ़ी हुई राशि जो थी उसको रोका गया, भू संपदा की नीलामी के समय जमींदार उस टाइम ऊंची बोली लगाकर संपत्ति उस समय लोगों ने खरीद लेते थे। फिर ऐसे ही बड़े सौदे के स्तर हुए जिसमें 1793 से
1801 के मध्य बंगाल की चार बड़ी जमींदारियों में से, जिसमें वर्धमान में एक जमींदारी थी, अनेक संपत्तियां जो थी वह बेनामी खरीदारियां की थी, जिसमें कुल 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई थी। उसी तरह से बाहरी अथवा नए व्यक्तियों की जमींदारी का हक ना देना, मतलब जो व्यक्ति बाहरी होता था उसको जमींदारी का हक नहीं दिया जाता था या उसको जमीन किसी प्रकार से नहीं दिया जाता था, जिससे कि वे जमींदारों का प्रतिरोध इस तरह से करना प्रारंभ किया था। फिर है कुदाल और हल। ये कुदाल और हल क्या है? इसमें संथाल और पहाड़ियों के जो युद्ध हुए, मतलब जो संघर्ष हुआ था, उसका एक प्रतीक के रूप में कुदाल और हल कहा गया है। कुदाल जो है पहाड़ियों का शक्ति का प्रतीक माना गया, हल जो है वह संथालों का। इस तरह से, क्योंकि जब ये पहाड़ियाँ जो थे, पहाड़ियाँ एक जाति था, जैसे हम पहाड़ियों पहाड़ियों बोले तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ी, पहाड़ में रहने वाला है ना, तो उसमें पहाड़ में रहने वाला एक जाति होता था, जो कि राज जैसे कि जमीन गीली जमीन से हटकर सूखे अंचलों पर अपनी स्थायी कृषि से हटकर झूम कृषि। अब झूम कृषि क्या है? जो एक स्थान में पेड़ों को काटकर झाड़ों को काटकर वह खेती किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरी जगह खेती किया जाता है, उसको झूम कृषि कहते हैं। तो इसमें भी कई तरह से परिवर्तन कारण भी क्षेत्र के अंदर मनमुटाव और कई झगड़े होने लगे थे, जिसमें राजमहल की पहाड़ियों में, राजमहल की पहाड़ियों में जो था वहाँ भी बुकानन के राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया, जिससे संदर्भ में उन्हें पता लगा कि पहाड़ियाँ जो है अभेद होती थी और खतरनाक होती थी, जिससे कि लोग वहाँ आते जाते नहीं थे। फिर पहाड़ियों का जीवन, खान पान व रहन सहन। तो उस समय जो पहाड़ी लोग थे वह राजमहल के पहाड़ियों के आसपास ही रहते थे और झूम खेती करते थे और झाड़ियों को काटकर घास फूस जलाकर जमीन साफ करके खेती करते थे और जंगल के जो छोटे छोटे हिस्से थे वहाँ वह कार्य करते थे और अनेक प्रकार के दालें और ज्वार बाजरा उगाते थे। और ये जो है कुदाल से खोद कर खुरच कर उसको साफ करके खेती करते थे। फिर जंगलों की पहाड़ियाँ जो है खाने के लिए महुआ के फूल एकत्रित करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोया एकत्रित करते थे और राल काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ एकत्रित करते थे। और ये साथ ही साथ पेड़ों के नीचे उगे छोटे छोटे पौधे, पड़ती जमीन, धरती, खास पर हरी चादर के पशुओं को चारागाह के लिए वे काम करते थे। फिर पहाड़ियों का आश्रय और स्वभाव। पहाड़ियों का आश्रय और स्वभाव जो है वह क्या है? इसके अंतर्गत पहाड़ी लोग जो थे वह शिकार करते थे, झूम खेती करते थे, काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते थे, खाद एकत्रित करने वालों में रेशम कीड़े पालने वालों के रूप में इस तरह से घनिष्ठ रूप से वे अपना कार्य करते थे। और खासकर वे इमली के पेड़ के बीच में जो बनी झोपड़ियों में वे रहते थे और आम के पेड़ों की छाँव में वे आराम करते थे। फिर है पहाड़ियों का आश्रय व स्वभाव। वहाँ जब लोग रहते थे तो पहाड़ियों का आश्रय व स्वभाव जो था वह आश्रय रहते थे, रेशम के कीड़े पालते थे, काट पोपला बनाने एकत्रित करते थे, रेशम के कीड़े भी पालने का कार्य करते थे, झोपड़ियों में रहते थे, आम के कार्य करते थे। इस तरह से वे वहाँ पर एक विशिष्ट स्वभाव भी था, जो जातीय वैदानी और लोगों के साथ लड़ाई भी आरंभ होने की जनजाति का नेतृत्व भी वे करते थे और साथ ही साथ वे बाहरी लोगों के प्रवेश का भी वे विरोध करते थे। फिर पहाड़ियों के आक्रमण। पहाड़ी लोग जो थे, पहाड़िया लोग जो थे, वे पहाड़ियों के मूल आधार मान बनाकर उस मैदान पर आक्रमण करते थे जहाँ किसान एक स्थान पर खेती करते थे। पहाड़ियों द्वारा आक्रमण करने का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि भी अपनों के अकाल और अभाव जो होता था उस समय में वे अपने आप को जीवित रखने हेतु ये आक्रमण करते थे। और आक्रमण जो है मैदानी समुदायों में अपनी ताकत दिखाने का भी एक तरीका होता था कि वे शक्तिशाली हैं, निर्बल नहीं हैं। फिर कृषि का विस्तार। कृषि का विस्तार कैसे हुआ? जंगलों व चारागाह क्षेत्र में संकुचित होने से स्थायी कृषि होने लगी थी और उसका विस्तार भी प्रारंभ हो गया था, जिसमें पहाड़ी तथा स्थायी खेतिहारों के बीच जो है मनमुटाव उत्पन्न हो गया था, यहाँ से संघर्ष भी प्रारंभ हो गया था। फिर शांति व्यवस्था का अभियान। शांति व्यवस्था का अभियान भी, पहाड़िया लोग जो होते थे वह स्वयं को सैन्य बलों से बचाने और बाहरी लोगों से लड़ाई आरंभ रखने और पहाड़ी लोगों के भीतर तक वे चले गए, जिसके कारण ये शांति अभियान भी आरंभ
हुआ था, क्योंकि ये आरब युद्ध जो हो रहा था उसमें कुर्ता का भी अनुभव किया गया था, कुर्ता से उनको जमन भी किया जा रहा था, ये ब्रिटिश लोगों के लिए घुसपैठ के एक तरह से खिलाफ था। फिर है संथालों का उदय। ये संथाल भी एक जाति थी, इनका भी यहाँ पर उदय हुआ क्योंकि इनके कारण एक नए खतरे का भी सूचनाएं मिल रही थी, वह था संथाल का आगमन। संथाल एक जाति थी जो लोग जंगलों में रहते थे, जंगलों को सफाया करते हुए जमीन जोतते थे और चावल और कपास उगाते थे, और इस तरह से वे बड़ी संख्या में अंदर तक या पहाड़ियों के जो कब्जा वे जमा चुके थे। फिर पहाड़ियों के राजमहल पहाड़ियों के अंदर तक ये पीछे हटना पड़ा था, पहाड़िया जो थे वह फिर बाद में पीछे हट गए थे, यहीं से उनका अंत भी प्रारंभ हो गया था। यदि कुदाल को पहाड़िया जमीन का प्रतीक माना जाता है और हल और कुदाल के मध्य जो है द्वंद्व काफी समय तक चला था।